प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बड़ी संख्या में व्यापारी कैमरे की नज़र में हमारे पीछे खड़े हुए हैं। अभी दो दिन पहले बरेली में सैटेलाइट बस अड्डे से पीलीभीत रोड की तरफ जाने वाले मार्ग पर दिन दहाड़े भयंकर लूट हुई थी और करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की लूट दिन दहाड़े करके बदमाश बंधक बना के व्यापारियों को चले गए थे। पुलिस अभी तक दो दिन से हाथ पैर मार रही है। व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन व्यापारियों का कहना ये है कि ऐसे असुरक्षित माहौल में हम अपना व्यापार अच्छे तरीके से कैसे कर पाएंगे। अभी नए जब SSP आए थे, अतिक्रमण हटाओ अभियान से पुलिस वापस ले ली गई और ये बात कही गई थी जोर शोर से कि इस पुलिस का इस्तेमाल व्यापारियों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रमजान शरीफ के दौरान मस्जिदों के आसपास और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस लगाई जाएगी, लिहाजा अतिक्रमण हटाओ अभियान से पुलिस वापस ले ली गई। लेकिन पुलिस तो वापस ले ली गई, पुलिस के वापस लेने के बाद नतीजा क्या हुआ? दो दिन पहले एक लूट हो चुकी है, तमाम और बड़ी घटनाएं हो रही हैं लगातार। व्यापारी बरेली के असुरक्षित हैं और आक्रोशित भी हैं। आज ये व्यापारी नेता SSP से मिलने जा रहे हैं, बड़ी उम्मीद से जा रहे हैं, शायद इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। व्यापारियों ने आज कह भी दिया है कि अगर खुलासा नहीं होगा तो वो व्यापार बंद कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक पर चले जाएंगे और अपना आक्रोश, अपना विरोध बरेली से लेकर प्रदेश स्तर तक दर्ज करेंगे। पीलीभीत रोड पर एक सर्राफ के यहाँ पर बड़ी लूट हुई थी, बताते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई थी और सनसनीखेज लूट थी, जिसको लेकर बरेली के व्यापारी जबरदस्त आक्रोशित हैं और अभी तक खुलासा भी नहीं हो पाया इस लूट का। ये बड़ी संख्या में व्यापारी बटलर प्लाजा से रवाना हो रहे हैं SSP से मिलने के लिए। आइए इनमें से करते हैं कुछ व्यापारियों से बात और जानते हैं आखिर उनके आक्रोश की वजह तक क्या है। सुदेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या मामला है? परसों 4 तारीख को सैटेलाइट पर एक हमारे व्यापारी हैं शबनम, उनकी दुकान है टॉप कैरेट के नाम से, सोने चांदी का शोरूम है। वहाँ पर 4 तारीख को दिन में 1 बजे 3 बदमाश आए और दिन दहाड़े वहाँ पर करोड़ों की लूट करके उन सबको बंधक बना कर बांध कर और वहाँ से फरार हो गए। आज 48 घंटे होने जा रहे हैं लेकिन पुलिस अभी उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पूरे बरेली के व्यापारियों में बहुत आक्रोश है, रोष है, गुस्सा है और पूरे बरेली का व्यापारी भयभीत है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं हम अपनी दुकानें कैसे खोलें, व्यापार अपना हम कैसे करें। आज हम लोग SSP से मिलने जा रहे हैं, उनसे अपनी मांगें रखेंगे, उनसे बात करेंगे कि अपराध के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, व्यापारी भयभीत है उसको भय से कैसे दूर किया जाए, गुंडा राज जो चल रहा है वो कैसे ख़त्म हो, कानून का राज कैसे कायम हो। दूसरे एक सबसे बड़ी जड़ हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं, DM से भी हमने मांग की है, SSP से मांग की है, क्योंकि जो यहाँ पर बरेली में गुरुवार का रविवार का बाज़ार लगता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। हम कहेंगे उसको तुरंत उसको बंद करवाया जाए। इसके अतिरिक्त व्यापारियों को सख्त लाइसेंस जो है प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएँ। और आज हम लोग मिलने जा रहे हैं, देखिए SSP महोदय से हमें क्या बात होती है, उसके बाद हम लोग आज रात को अपने आगे की रणनीति तय करेंगे और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इस घटना पर चुप नहीं बैठेगा और जब तक इस लूट का खुलासा नहीं होगा हम लोग आंदोलन कर रहेंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे अति शीघ्र इस घटना का खुलासा करें। नीलेश अग्रवाल जी, क्या मामला है, क्या पीड़ा है आप लोग? बड़ी दुखद घटना है। जिस तरह दिन दहाड़े कुछ अपराधियों ने एक व्यापारी शराब व्यापारी के लूटपाट की, उससे हम सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखित हैं और आप कप्तान साहब से मांग करेंगे जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा हो। मेरा नाम पवन कुमार अरोड़ा है। पवन कुमार अरोड़ा, क्या कहना चाहेंगे अरोड़ा जी? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी व्यापारी के साथ कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से ये उसके परिवार के लिए और एक समाज में एक संदेश गलत जाता है कि जो बदमाश लोग हैं उनका जो है हौसला बुलंद होता है। निश्चित रूप से इसके गहराई तक जाना चाहिए, इसके पीछे कौन लोग हैं। मुझे लगता है कुछ हो सकता है इनके बहुत निकट के लोग भी हों जिन्होंने इसको रेकी करी हो, तो पुलिस को इसकी तह तक जाकर उसके ऐसे लोगों को पकड़ के उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मेरा नाम भवानीदत्त जोशी है। भवानीदत्त जोशी जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? सर, व्यापारी आक्रोशित है। निश्चित रूप से व्यापारी अगर असुरक्षित रहेगा तो कैसे अपना व्यापार करेगा इस मंदी के दौर में। पुलिस प्रशासन को इसके अपना एक सटीक निर्णय लेना पड़ेगा और व्यापारी को सुरक्षा का आश्वासन भी देना पड़ेगा, धरातल पर दिखाना भी पड़ेगा। मेरा नाम विधान टंडन। विधान टंडन जी, सर क्या कहना चाहेंगे इसकी घटना को लेकर जो लूट हुई है? ये जो लूट हुई है ये एक सुनियोजित तरीके से लूट की गई है और इसमें पुलिस की उदासीनता सामने दिख रही है। कारण ये सब नज़र में आता है कि जहाँ पे लूट हुई है उससे कुछ ही दूरी पे पुलिस चौकी है और बाएं साइड में भी चौकी है
और सैटेलाइट के सामने और उसके आगे जगतपुर चौकी भी है, पर वहाँ पे किसी प्रकार से पुलिस की व्यवस्था मैंने जो देखी है कि वो सब एक जगह खड़े होके सिर्फ वार्तालाप में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाते हैं और किसी पब्लिक की तो प्लेस के ऊपर देखना, चौकन्ने होके काम करना, वो अभी पुलिस की उदासीनता नज़र आती है। और इसकी अगर व्यापारी में आज जो संदेह जा रहा है कि अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और कि शासन से यही, अपने पुलिस विभाग से यही विनती करता है कि आप इसके अंदर जल्द से जल्द इस ट्रैक में जाएं, और अगर नहीं तो व्यापारी इस बात को सोचने को मजबूर हो जाएगा कि उसको अपनी असुरक्षित महसूस कर रहा है, और इसके लिए हम फिर कोई भी कठोर नीति अपनी व्यापार मंडल के माध्यम से बनाएंगे। बरेली के SSP ऑफिस के सामने बहुत संख्या में व्यापारी पहुंच गए हैं, और ये वो व्यापारी हैं जो पीलीभीत रोड पर दो दिन पहले हुई लूट की दिन दहाड़े घटना से आक्रोशित हैं, और ये मिलने आए हैं SSP साहब से, जिनका दफ्तर बिल्कुल ठीक सामने है, और अभी अधिकारी से मिलेंगे, पुलिस के अधिकारियों से बताएंगे अपनी पीड़ा। हम जानेंगे इन व्यापारियों की आखिर पीड़ा है क्या, क्या कहना चाहेंगे बरेली के व्यापारी। बहुत आक्रोश में हैं और बता रहे हैं कि व्यापार भी उनका ऐसे सुरक्षित तरीके से कैसे चल पाएगा। जब तक ये खौफ पैदा नहीं किया जाएगा और पुलिस की व्यवस्था चाक कवर नहीं होगी, तब तक इस तरह के अपराध होते हैं। पुलिस को चाहिए कि अपनी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि पुलिस की लगाम को कसे। पुलिस चौकी से 10 कदम की दूरी पर इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में कानून व्यवस्था की स्थिति बताती है। मानव अधिकार आयोग और दुनिया भर के आयोग की वजह से पुलिस पे, अपराधियों पे लगाम लगाने पे अंकुश लगा रहता है। पुलिस को इन चीज़ों से बच के हट के इन लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी अंकुश लगा। ढंग क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी, जो लूट हुई है इसको लेके? भाई साहब, राष्ट्र को या देश को, शहर को इस टाइम एक सुरक्षा का वादा करने वाले पुलिस अधिकारी अगर इस लूट पे कोई खुलासा नहीं करते हैं तो ये हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम सब जने मिल के अपने सुरक्षा के लिए आज इन्हीं चीज़ों की मांग करने के लिए SSP साहब के पास में आए हैं कि बरेली सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, या भारत सुरक्षित है या नहीं। देखिए, बरेली के व्यापारी बरेली के SSP से मिलकर लौटे हैं, कमरे के बाहर उनके खड़े हुए हैं, उनके ऑफिस के बाहर, और बड़ी सद्भावनापूर्ण वातावरण में बात हुई है, जैसा कि व्यापारियों ने हमें बताया भी है, और व्यापारियों के संग पुलिस की बैठक हुआ करेगी और वर्कआउट करने का पूरा भरोसा बरेली के SSP नेथानी साहब ने दिया है। व्यापारी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, भरोसा है उन्हें पुलिस पर। आइए देखते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है। गाँव लखनऊ के लिए बरेली से संजीव गंभीर।